वडोदरा स्थित एमएस यूनिवर्सिटी में शिव मंदिर के सामने तीन लड़कों के नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हुआ है। ये युवक फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के पास मौजूद मंदिर के बाहर नमाज पढ़ते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले भी कैंपस में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आ चुका है। हिंदूवादी संगठनों और छात्र नेताओं ने घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की है, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जाँच की बात कही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैंपस में मौजूद महादेव मंदिर के बाहर शाम 4:45 में कुछ लड़कों ने नमाज पढ़ी, जिसे किसी ने कैमरे में कैद कर लिया। बताया जा रहा है कि ये सभी कैंपस के स्टूडेंट हैं और बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। घटना को लेकर एमएस यूनिवर्सिटी के पीआरओ लकुरिश त्रिवेदी ने कहा कि एक समिति इसकी जांच करेगी और छात्राओं को तलब किया जाएगा। घटना की निंदा करते हुए शिवसेना प्रवक्ता दीपक पालकर ने चिंता व्यक्त की है और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर निष्क्रियता का आरोप लगाकर आलोचना की है। उन्होंने घटना में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।